हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीडियो फोकस एजुकेशन। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा। मैंने कुछ प्रीवियस लेक्चर्स डाली हैं ICMR रिवीजन क्लास के लिए, तो आई होप कि आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हो रहा होगा। और अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे वायरसेस के बारे में। बहुत दिनों से इंतज़ार था, बहुत सारे कमेंट्स आए और कॉल्स आए और मैसेज आए कि सर वायरस के बारे में कुछ बताइए। तो ऑब्वियसली वायरस तो हम लोग शुरू करेंगे ही, और इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूँ बहुत सारी चीज़ें हैं, और जितना भी पॉसिबल होगा, मतलब कि जितना भी क्विक रिवीजन हो सकता है वो क्विक रिवीजन मैं कराऊँगा। लेकिन आप लोग ध्यान से सुनिएगा, और जहाँ जहाँ आप लोग पॉज करके देखना चाहते हैं, जो भी कंटेंट मैं लिखूँगा या दिखाऊँगा आप लोगों को, तो वो पॉज करके आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आ रहा है, तो थोड़ा मोटिवेट करते रहिएगा आप लोग। और कैसा लगता है आपका मेरा वीडियो आप लोगों को, ये ज़रूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, वायरसेस। ठीक है, तो वायरसेस के बारे में हम लोगों को देखना है, ठीक है ना। अब वायरसेस में क्या क्या है, क्या क्या चीज़ हम लोग जानते हैं, देखिए। अब वायरसेस को देखिए, लिखा गया कि वायरसेस कॉल्ड बैक्टीरियोफाज। हाँ ठीक है, अब बैक्टीरियोफाज मतलब जो बैक्टीरिया को भी खा जाए वो होता है वायरस। अच्छा, अब देखिए ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे और जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करेंगे और उसके सेंट्रल डोगमा पे टेक ओवर कर लेंगे। तो देखिए वायरस जो है वो सिर्फ बैक्टीरियोफाज ही नहीं है, मतलब वायरस जो होते हैं ना वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। मतलब कुछ ऐसे वायरसेस होंगे जो सिर्फ बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो सिर्फ प्लांट को इन्फेक्ट करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो सिर्फ एनिमल्स को इन्फेक्ट करेंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो एनिमल सेल्स में भी स्पेसिफिक सेल को इन्फेक्ट करेंगे। जैसे हम लोग जानते हैं HIV के बारे में, यस HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस, तो वो क्या करता है, टी हेल्पर सेल को, बाकी किसी सेल से मतलब नहीं है, वो सीधे जाएगा टी हेल्पर सेल से दोस्ती करेगा। तो वैसे ही अब जैसे क्वेश्चन आता है ना, बच्चे कभी कभी पूछ देते हैं या ऐसे ही दिमाग में आ सकता है कि प्लांट्स को एड्स क्यों नहीं होता। तो भाई प्लांट्स को एड्स नहीं होगा, क्योंकि जो एड्स कराने वाला जो वायरस है उस वायरस की दोस्ती बस ह्यूमन सेल के टी हेल्पर सेल से है। इसलिए वायरसेस आर होस्ट स्पेसिफिक, सेल स्पेसिफिक। अच्छा, इनको कहा जाता है कि कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ऑब्वियसली होते ही हैं, क्योंकि इनके अंदर कोई प्रोटोप्लास्ट वगैरह नहीं होता, कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है, कुछ प्रोटीन्स होती हैं या कुछ मेम्ब्रेन बाउंड सिग्नल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक सेल के रिसेप्टर पर जाके बाइंड कर लेते हैं। तो यही है कि वायरसेस को हम किंग ऑफ बरोड लाइफ कहते हैं, मतलब हमेशा बरोइंग लाइफ ये जीता है, कभी भी ऐसा नहीं है कि अकेले ये रह सकता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं वायरसेस के बारे में। ये देखिए वायरस कितना बढ़िया वायरस है, कितना अच्छा वायरस दिखाया गया, देखने यहाँ पे। और ये क्या है, ये है बैक्टीरिया, देखिए ये है बैक्टीरिया, और इस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले 1, 2, 3 गिनते जाइएगा आप लोग, जितना भी गिन सकते हैं, ये सब हैं बैक्टीरियोफाज, जिनको बोला जाता है वायरसेस। ओके, तो वायरस को क्या वेयर डिटेक्टेड डायरेक्टली लॉन्ग बिफोर द दे वेयर एक्चुअली सीन। अच्छा एक बात और सुन लीजिए, आप लोगों को ये होगा कि कौन सी बुक पढ़ी जाए वायरस या ICMR JRF के लिए, तो मेरे ख्याल से देखिए एक जो कैम्बेल की बुक आती है ना, कैम्बेल की, तो कैम्बेल की बुक जो है ये बुक अच्छी है, मतलब बेसिक से लेके और स्टैंडर्ड लेवल तक क्लियर करेगा। हाँ, अब ये ऐसा नहीं है कि इसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी स्टैंडर्ड लेवल की, लेकिन काफ़ी अच्छी बुक है, PDF इसका अवेलेबल है, तो आप लोग देख लीजिएगा। मैं इसके PDF लिंक का गूगल ड्राइव पे लिंक डाल देता हूँ, ठीक है, वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप लोग देख लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब ये कब डिस्कवर हुआ था, इन सबसे कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ओके, जैसे कि थोड़ा बहुत आ सकता है तो यहाँ पे इन 1935 वेंडल स्टेनले कन्फर्म हाइपोथेसिस बाई क्रिस्टलाइजिंग इन्फेक्शियस पार्टिकल्स नाउ नोन एज टोबैको मोजैक वायरस। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ कि देखिए यहाँ पे मतलब एक अनहेल्दी लीफ है, उसको क्रश किया गया और सेंट्रीफ्यूज किया गया, एक्सट्रैक्ट किया गया, जो
एक फिल्टर लगा दिया गया जो कि बैक्टीरिया को फिल्टर कर देता था, और उसके बाद जो मटेरियल बचा हुआ है उसको प्लांट के लीफ पे डाल दिया, अगर फिर से वो इन्फेक्ट हो रहा है, यानी कि समथिंग इज ए स्मॉलर देन बैक्टीरिया एंड इन्फेक्टिंग प्लांट्स आर एनिमल्स आर एनीथिंग। ठीक है, तो ये सब डायग्राम है जो आप लोग देख सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, वायरस आर नॉट सेल, सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है, बहुत स्मॉल होते हैं, इन्फेक्शियस होते हैं। ठीक है, इनके पास अपना न्यूक्लिक एसिड होता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है न्यूक्लिक एसिड के बारे में, मतलब वायरसेस के न्यूक्लिक एसिड के बारे में, कि हाउ मेनी, देख लीजिएगा, हाउ मेनी टाइप्स, ओके, टाइप्स ऑफ जेनेटिक जेनेटिक मटेरियल्स आर फाउंड, ये फाउंड की स्पेलिंग आप लोग समझ जाइएगा, फाउंड इन द वायरसेस। दुनिया में जितने तरह के जेनेटिक मटेरियल होते हैं सब वायरसेस में पाए जाते हैं। ठीक, कहने का मतलब ये नहीं है कि सब एक साथ पाए जाते हैं, अलग अलग पाए जाते हैं। वायरस का जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी होता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी होता है। वायरसेस में हर तरह का जेनेटिक मटेरियल होता है, जिस तरह का वो जेनेटिक मटेरियल लेके अडॉप्ट कर जाए। ठीक है, और कोई भी, यहाँ देखिए, इन सम केसेस मेम्ब्रेनस इन्वेलप होगा लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगी। मेम्ब्रेनस इसलिए क्योंकि अगर टी सेल है और यहाँ पे वायरस है तो वायर, अब मैं दिखाऊंगा, अभी आप लोगों को एक डायग्राम दिखाऊंगा जिसमें ऐसा कोई हमारा हमारे मेम्ब्रेन का कोई प्रोटीन ये वायरस पे है। ठीक है, और ये टी लिम्फोसाइट से, जैसे कि आप लोग ये बुक देख सकते हैं, यहाँ पे डायग्राम एक देख सकते हैं, मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये देखिए, तो जैसे रिट्रो वायरस है, तो रिट्रो वायरस में ये देखिए, यहाँ पे ये जो दिखाया गया ना, ये दिस थिंग, चलिए पहले से इसमें कुछ हमने समझाया है उसको हम मिटा देते हैं। शायद ये कंफ्यूज करता, तो इसको मिटा देते हैं और फिर आप लोगों को बताते हैं फटाफट। ठीक है, अभी इसको डिटेल में नहीं बताएंगे, थोड़ी देर में डिटेल में बताएंगे। मुझे बस ये बताना है यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए कि कैप्सिड प्रोटीन और कुछ मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर दिखाया गया है यहाँ पे, ये सिग्नल है, ये इसका रिसेप्टर है, वायरस जाके बाइंड कर लिया तो ये इन्फेक्ट कर देगा, तो वही इसमें बताया जा रहा था। और देखिए वायरसेस के बारे में कि वायरसेस का जीनोम, यस, किस तरह का होता है, तो हर तरह का हो। इनके पास सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है, डीएनए कुछ भी हो सकता है। अच्छा, डिपेंडिंग ऑन इस टाइप न्यूक्लिक एसिड को हम डिपेंडिंग ऑन इस टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, मतलब किस तरह का न्यूक्लिक एसिड है, तो वायरसेस को या तो डीएनए होगा तो डीएनए वायरस और आरएनए होगा तो आरएनए वायरस कहा जाएगा, वेरी सिंपल। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैप्सिड प्रोटीन का बना होता है, इसका जीनोम कवर्ड होता है, पूरा कवरिंग जो होती है जीनोम की, तो उसका यूनिट होता है कैप्सोमियर। तो ये दो नंबर का क्वेश्चन ले जाइए, भर लीजिए बैग में ले जाइए। कैप्सिड है वेरियस स्ट्रक्चर, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं ये देख सकते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ आरएनए है, ये कैप्सोमियर है, ये भी कैप्सोमियर है, यहाँ ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, देखिए हमारे भी मेम्ब्रेन पे पाया जाता है ग्लाइकोप्रोटीन, यहाँ भी ग्लाइकोप्रोटीन है, ये टीएम, ये एचआईवी के जैसा लग रहा है। ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये होता है बैक्टीरियोफाज, तो ये समझ रहे होंगे आप लोग। तो ये 3D कंप्यूटराइज स्ट्रक्चर है और ये ओरिजिनल माइक्रोस्कोप से देखा हुआ स्ट्रक्चर है, राइट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सम वायरसेस हैव मेम्ब्रेनस इनवेलप, हेल्प देम टू इन्फेक्ट होस्ट, ठीक है, मेम्ब्रेनस रहेगा यानी मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल को ये इन्फेक्ट कर सकते हैं। ओके, ये एक बार पॉज करके आप लोग पढ़ लीजिएगा। इनको फाज इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को, और दे हैव मोस्ट कॉम्प्लेक्स कैप्सिड फाउंड अमंग द वायरसेस, किसके पास, बैक्टीरियोफाज की बात की जा रही है। तो अच्छा, फेजेस हैव इलांगेटेड कैप्सिड हेड एंड इनक्लोजेज देयर डीएनए आरएनए, जो भी है वो रहेगा उसमें। होस्ट रेंज, बहुत सारी होस्ट रेंज हैं इसकी, ठीक है, देखिए कैसे रिप्लिकेट करता है, मतलब एक वायरस है उसके अंदर डीएनए है और ये कैप्सिड है, तो ये क्या करेगा, इंट्री एंड अनकोटिंग, ये इंटर कर गया, अनकोट करके ये प्रोटीन बाहर आ गई, रिप्लिकेशन, देख लीजिए, या तो ये देखिए, या तो अपना खुद का ये रिप्लिकेशन करके वायरल आरएनए बनाएगा, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में इंटर किया, यानी उसमें बैक्टीरियोफाज में इंटर किया हुआ है तब, और एक तरफ इसका आरएनए बनेगा, तो आरएनए बनाएगी प्रोटीन, ठीक है, ये देखिए आरएनए से बनेगा प्रोटीन, डीएनए बना है, पैक करके निकल गए, एक इंटर किया था, 100,000 निकल जाते हैं यहाँ से सेल को रप्चर करके, तो आसान है। रिप्लिकेटिव साइकिल जो है हम बता देते हैं, एक है
लिटिक साइकिल और देखिए लिटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल। अच्छा, लिटिक और लाइटिक इंजक्शन में इंडक्शन मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, अपलोड करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर आप लोग ज़रूर देखिएगा। और कैसे पता चलेगा कि आपको अपलोड हुआ है कि नहीं? चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ज़रूर आपको पता चलेगा। लिटिक और लाइटिक इंजक्शन इंडक्शन बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बट आई विल मेक दैट ईजी। मैं वही बताऊंगा जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए लिटिक और लाइटिक साइकिल के बारे में। लिटिक साइकिल इज अ फेज रिप्लिकेटिंग साइकिल। लिटिक साइकिल है मतलब ये इंटर करेगा। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अटैच किया। देखिए यहाँ पे बैक्टीरिया से अटैच हुआ, बैक्टीरिया जाकर कहेगा हेलो सर आ गया हूँ मैं। फिर बैक्टीरिया में अपना जेनेटिक मटेरियल डाल दिया, यस ये देखिए जेनेटिक मटेरियल, और कुछ एंजाइम डाल दिया जिसकी वजह से बैक्टीरियोफाज का डीएनए डिग्रेड हो गया। और क्या किया, अब अपने न्यूक्लिक एसिड से लगा अपना प्रोटीन और ज़्यादा न्यूक्लिक एसिड बनाने। देखे, और फिर क्या किया, ये देखिए यहाँ पे पूरा असेंबली सेल के अंदर ही, बैक्टीरियोफाज के अंदर ही असेंबली हो गई। अब यहाँ पे हम लोगों को एक असेंबल दिखाई दे रहा है, दो जो है नॉन असेंबल दिखाई दे रहे हैं। ऐसे सोचिए 10 लाख होंगे तो क्या होगा, 10 लाख होंगे तो यहाँ से रिलीज करके निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे हो गई साइकिल, कंप्लीट हो गई। तो ये लाइटिक साइकिल, इसको वायरुलेंट भी बोलते हैं, मतलब एक बैक्टीरिया में इंटर करेगा और वो निकल जाएगा फाड़ के उसको, उसके मेम्ब्रेन को। अच्छा, इसीलिए ना गंगा जी का वाटर ट्रीट करने के लिए बैक्टीरियोफाज यूज़ किया जाता है, क्योंकि बैक्टीरियोफाज एक वायरस है। अब हर वायरस तो कोरोना वायरस हो नहीं सकता, तो बैक्टीरियोफाज को मतलब बैक्टीरिया को मारने के लिए पानी में बैक्टीरियोफाज डाल दिया गया। अब वो बैक्टीरिया हमको इन्फेक्ट कर सकता था, लेकिन अगर उसमें वायरस इंटर करके बैक्टीरिया को मार दिया तो वो बच गए सिर्फ प्रोटीन। तो अब उसको आप खाएंगे ना, उसको जैम में लगा के खूब बढ़िया से खाइए, कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो वायरस तो हमको इन्फेक्ट कर नहीं सकता, क्योंकि वो बैक्टीरियोफाज है। ठीक है, खैर ऐसा ट्राई मत करिएगा आप लोग, ये मैं बस अपनी हाइपोथेसिस दे रहा था, गलत भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होगा, ये तो एकदम बढ़िया, ये उसी दोस्त के जैसा है जो आपके साथ रहते हैं, और फिर समय आने पर समझ ही रहे होंगे आप लोग, कहने की क्या ज़रूरत है ना। तो कुछ होते हैं कुछ लोग जो प्रोफेज में, चलिए मुझे ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, बस इतना बताना है कि ये आपके साथ ही रहेगा और समय आने पे निकल लेगा लाइसोजेनिक साइकिल में। तो देखिए हुआ क्या, बहुत आसान। देखिए लाइसोजेनिक में हुआ क्या, एक फाज जो है इन्फेक्ट किया, इन्फेक्ट करने के बाद अपना जेनेटिक मटेरियल इसमें इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद से देखिए ये क्या हुआ, इंसर्ट करने के बाद से अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियोफाज के जेनेटिक मटेरियल में मिला दिया, इसको बोलेंगे प्रोफेज। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, बैक्टीरिया जितना डिवाइड करना चाहेगा उतना डिवाइड करे, उसके साथ ये भी डिवाइड करेगा। जितना आप खाएंगे उतना, ये कहता है कि जितना दोस्त है दोस्त, जितना तुम खाओगे उतना ही मैं भी खाऊंगा। तो ये बढ़ते रहता है, बढ़ते जाता है, और एक बार इसको इंडक्शन मिलता है, देखिए लाइटिक इंडक्शन। अब ये लाइटिक और लाइसोजेनिक इंडक्शन कैसे मिलता है, अगर ये कहानी आपको जाननी है तो अगला वीडियो, अगला एपिसोड इस सीरीज़ का ज़रूर देखिएगा, दैट विल हेल्प। और ये ध्यान रखिएगा कि हमें उसमें बताऊंगा मैं लिटिक एंड लाइसोजेनिक इंडक्शन। अगर मैं ईडू फोकस में पढ़ाता बोर्ड पे तो पूरे 3.5-4 घंटे की क्लास होती है, लेकिन मैं रिवीजन करा रहा हूँ इसलिए आप लोगों के लिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ाऊँगा। हो सकता है आप लोगों में से किसी को समझ में ना आए, लेकिन अगर किसी को समझ में आता है तो ज़रूर हमें बताइएगा कमेंट में, या लाइक करके, या वीडियो शेयर करके, या सब्सक्राइब करके। सो न्यू फेज डीएनए एंड अ प्रोटीन आर सिंथेसाइज एंड असेंबल्ड इनटू फेजेस। ये देखिए मतलब लाइटिक इंडक्शन मिला तो सब, या लाइटिक इंडक्शन मिलेगा तो ये डीएनए जो होगा ना इसका, या जेनेटिक मटेरियल इससे बाहर आएगा और अब अपने सेना को बुलाएगा, मतलब खुद को ट्रांसक्राइब करेगा, ट्रांसलेट करेगा, और फिर बैक्टीरिया से 1 लाख वायरसेस या 10 लाख वायरसेस निकाल गए, और फिर जाएंगे। अब सोचो 10 लाख वायरसेस निकलेंगे तो कम से कम 500 या 600 या 1000 बैक्टीरिया को तो इन्फेक्ट कर ही सकते हैं ना। तो ये है पूरा लाइटिक एंड लाइसोजेनिक इंडक्शन जो हम लोग पढ़ लिए। अच्छा, कि देर आर टू की वेरिएबल्स यूज टू क्लासीफाई वायरस दैट इन्फेक्ट एनिमल सेल, डीएनए आर आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड है कि डबल स्टैंडर्ड है। देखें, हाँ बस बस बस,
मुझे इसी स्लाइड का तो इंतज़ार था, वाकई में इसी स्लाइड का इंतज़ार था। इसको ना आप लोग खूब ओम स्वास्तिक या जय माँ दुर्गा जितना आप लिख सकते हैं, 786 जितना आप, बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी बार बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन आ ही रहा है, क्या क्वेश्चन आएगा कि जो आपको वायरस का नाम दे देगा और कहेगा कि इसमें जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड की डबल स्टैंडर्ड, डीएनए होता है कि आरएनए होता है, ठीक है, और इसमें इन्वेलप होता है कि नहीं होता है, और एक कहा जाता है कि प्लस स्ट्रैंड क्या है, ठीक है, और एक कहा जाता है कि माइनस स्ट्रैंड क्या है, या सेंस एंड एंटी सेंस, सेंस और एंटी सेंस क्या है ये, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, सेंस और एंटी सेंस क्या होता है, इसको भी मैं बता दूंगा, यहीं बता दूंगा, अलग से लेक्चर नहीं लूँगा उसके लिए, यहीं बता दूंगा। देखिए क्या है, अब बढ़ते हैं आगे, यही आप लोग याद कर लिए, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, ना इसको प्रिंट कराने की जरूरत है, इतना बढ़िया तो मैं बता ही रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा, क्लासेस ऑफ एनुअल वायरस, एनुअल वायरस में देखिए कुछ वायरसेस हैं जिनमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, इनवेलप देखेंगे कि होता है कि नहीं होता है, और एग्जांपल्स में ह्यूमन में कौन सा डिजीज वो कॉज करते हैं, जैसे एडीनो वायरस, ये देखिए डीएनए है और इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, याद रखिएगा, और ये रेस्पिरेटरी वायरस है और ट्यूमर कॉजिंग वायरस ऐसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, शायद मैंने इसको बताया हुआ भी है किसी लेक्चर में, शायद मैंने कुछ बताया हुआ भी है, फिर भी मैं बता देता हूँ, थोड़ा बहुत आप लोगों को हेल्प करेगा ये समझने में, फिर से रिवाइज हो जाएगा एक बार, ठीक है। और ये देखिए पैपोवायरस, पैपोवायरस में पॉपुलोमा वायरस, नाम सुना होगा, इट्स वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस, ठीक है। और वाइट सर्वाइकल कैंसर और पोलियोमा वायरस ट्यूमर कॉज करता है ये। अच्छा, इसमें भी इन्वेलप नहीं होता, अब इन्वेलप में आ गए हर्प्स वायरस, ठीक है, पॉक्स वायरस, ये सब इन्वेलप वाले हैं, लेकिन इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, स्मॉल पॉक्स या काउ पॉक्स का नाम जब हम लोग सुनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वाले कौन कौन से हैं, पैरो वायरस, पारो वायरस नहीं है ये, पैरवो वायरस है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इन्वेलप नहीं है और उसका नाम है माइल्ड रेसिस जो कराते हैं, B19 पैरो वायरस। अच्छा, आप देखिए डबल स्टैंडर्ड आरएनए देख रहे हैं आप लोग, डबल स्टैंडर्ड आरएनए वाले, ठीक है, जैसे कि रियो वायरस, और रियो वायरस इन्वेलप नहीं होता, इसका एग्जांपल कौन सा है, रोटा वायरस जो डायरिया कॉज करता है, कोलोराडो ठीक फीवर वायरस इसी का एग्जांपल है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिएगा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए सर्व्स एज एमआरएनए, मतलब क्या हुआ, ये क्यों लिखा है भाई, ये अलग से क्यों लिख दिया, इसका कंसेप्ट मैं चलिए आप लोगों को समझा देता हूँ, फटाफट समझा देता हूँ, देर लगाऊँगा तो देर हो जाएगी, है ना। चलिए मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, एकदम इत्मीनान से देखिएगा। ठीक, देखिए क्या होता है इसमें, जैसे हुआ क्या, मान लीजिए एक कोई सेल है, होस्ट की सेल है, और यहाँ पे कोई वायरस है, चलो मान लो हमने बैक्टीरियोफाज ही बना दिया, लेकिन बैक्टीरियोफाज बनाने से मेरा मतलब सिर्फ और सिर्फ वायरस को दिखाने से है। अब इसके अंदर जो है कोई जेनेटिक मटेरियल है, अब ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो आ गया इसके अंदर, अब ये जेनेटिक मटेरियल देख लीजिए, ये जेनेटिक मटेरियल मान लीजिए कि mRNA है, ठीक है। अब इस mRNA से सोच लीजिए, सुनिए ध्यान से, चलो इसे mRNA थोड़ा बाहर लेके आते हैं, इस mRNA से मान लीजिए 5' to 3' mRNA सिंगल स्टैंडर्ड है, यहाँ पे दिया हुआ है राइबोसोम और यहाँ पे दिया हुआ है राइबोसोम, मतलब स्मॉल और हैवी सब यूनिट वाले, ठीक है। और देखिए, और अगर मान लीजिए कि इससे प्रोटीन बन रही है, इस mRNA से प्रोटीन बन रही है, ये देखिए प्रोटीन, वाह कितना बढ़िया प्रोटीन हम लोग बनाते जा रहे हैं, प्रोटीन, ठीक है। हम मतलब इधर एन टर्मिनल है, इधर सी टर्मिनल, बनाने का तरीका अलग है, मतलब ये पहले निकल जाएगा ना बनके, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 0.1 mRNA या
रुक जाइए रुक जाइए, जो आरएनए था उसकी मैं बात करूंगा पहले, तब एमआरएनए बोलूंगा। आरएनए डायरेक्टली एक्टिंग एज एमआरएनए, ठीक है। अगर कोई ऐसा आरएनए है जो कि डायरेक्टली एमआरएनए से काम कर रहा है, मतलब कि जिससे डायरेक्टली राइबोसोम बाइंड करके, ये लिख दिया हमने राइबोसोम, एकदम बहुत महंगा कंसेप्ट है राइबोसोम, तो अगर डायरेक्टली इसे राइबोसोम बाइंड करके प्रोटीन सिंथेसाइज करने लगा ना, तब इस आरएनए को कहा जाता है सेंस स्ट्रैंड, सेंस स्ट्रैंड या प्लस स्ट्रैंड, ध्यान से सुनिएगा। और कहीं ऐसा हो गया, देखिए मान लीजिए कि कोई आरएनए, देखिए यहाँ पे कोई आरएनए इंटर किया है, ठीक है, और इस आरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री, देखिएगा इस आरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री एक और आरएनए बना, ये देखिए इसके कॉम्प्लीमेंट्री, ये देखिए, मतलब ये आरएनए इंटर किया था बाहर से और इसके कॉम्प्लीमेंट्री एक आरएनए बना, मतलब आरएनए ये ए है और ये ए डैश है, मतलब इसी के कॉम्प्लीमेंट्री बना है। इफ़ दिस आरएनए इज एक्टिंग एज एमआरएनए, ठीक है, मतलब कि इस एमआरएनए को निकाल के जब इस एमआरएनए, जब मतलब आरएनए से जो आरएनए बनेगा, ठीक है, जो आरएनए का रिप्लिकेशन होगा, आरएनए से जो आरएनए बन रहा है उससे अगर प्रोटीन बन रही है, ये देखिए उससे अगर प्रोटीन बन रही है, तो जो बाहर से आरएनए आया था ना, इसको कहा जाएगा एंटीसेंस, क्योंकि भाई बाहर से तो यही आया ना, इसको एंटीसेंस या माइनस स्ट्रैंड, ठीक है, बोलेंगे। यही है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और वैसे ही देख लीजिए, अच्छा मॉलिक्यूल का अभी पढ़ाना बाकी है, मॉलिक्यूल में बता दूंगा। जैसे देखिए, मान लीजिए ये देखिए ध्यान से, मान लीजिए कि ये 5 प्राइम है डीएनए में और ये 3 प्राइम है, ठीक है, और सुनिए ध्यान से, और मान लीजिए कि यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ये देखिए राइबोसोम यहाँ पे बाइंड, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड किया है और यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन करके एमआरएनए बना दिया, ठीक है, कि आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे बाइंड करके एमआरएनए बना दिया, वो मैच कर रहा है उसे, रसोड़े में क्या था वो गाना नहीं था, उसी से मैच कर रहा है, कि आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे इंटर करा के एमआरएनए बना दिया, ठीक है, आप लोग गा सकते हैं इसको। तो अब क्या है, देखिए ये जो एमआरएनए है, इस एमआरएनए से, यहाँ देखिए इस एमआरएनए से अगर राइबो, इसी से बाइंड करेगा राइबोसोम, प्रोटीन बनेगी, तो ये तो सेंस आरएनए है ही। अच्छा, ये हो जाता है टेम्पलेट, टेम्पलेट, ठीक है, और ये हो जाता है एंटी टेम्पलेट, एंटी टेम्पलेट, ठीक है। अच्छा, टेम्पलेट जो होता है उसको कहा जाता है नॉन कोडिंग, और जो एंटी टेम्पलेट होता है उसको कहा जाता है कोडिंग, कोडिंग स्ट्रैंड। तो याद रखिएगा, डीएनए के केस में हमेशा कोडिंग स्ट्रैंड ही सेंस स्ट्रैंड होता है, सेंस, सेंस स्ट्रैंड हमेशा। अगर ये कंसेप्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बताइएगा, इसी दिन रेगुलर क्लास ले लेंगे, उसमें समझ में आ जाएगा, नहीं तो ये कॉन्फ्लिक्ट कर रहा होगा कि ये कैसे, मतलब जिससे आरएनए बन ही नहीं रहा है उसी को सेंस आरएनए बोल दिया गया, यस उसी को सेंस डीएनए बोला जाता है, सेंस डीएनए बोला जाएगा 100% की गारंटी, कोई गलत काट ही नहीं सकता 100%। आपको मैं कई किताबों से दिखा दूंगा ये, और मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ ये सारी मैंने अच्छे अच्छे किताबों से पढ़ के तो नॉलेज गेन किया है, तब मैं बता रहा हूँ। व्हाट मेक्स मी एलिजिबल टू टीच ऑल ऑफ यू इज माई 6 ईयर एक्सपीरियंस, एंड इन एवरी ईयर आई टीच 3 बैचेस डेली, और हर 6 महीने में एक टॉपिक को कम से कम 6 से 7 बार रिवाइज करना पड़ता है, ठीक है, पढ़ाते समय हो ही जाता है, बच्चे क्वेश्चन पूछे तो हो ही जाता है। खैर, तो मेरी जानबूझ के तारीफ़ हो गई, कोई और तारीफ़ करता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है, आप लोग करेंगे ज़रूर, कमेंट में ज़रूर करेंगे तारीफ़ आप लोग। तो आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए यहाँ पे ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आता है ना कि प्लस प्लस डीएनए का मतलब क्या हुआ या सेंस डीएनए का मतलब क्या हुआ, वो एंटी, वो कोडॉन रीजन, मतलब जो एमआरएनए के बिल्कुल जैसा होता है लेकिन थायमिन के, सॉरी ए टू, हाँ वहाँ पे थायमिन की जगह पे यूरेसिल लगा दो, वही हो। चलिए, आप लोग भी बहुत तेज़ है पढ़ने में, ऐसा नहीं है,
तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आ गए। हाँ ये देखिए, तो बोला है ना सिंगल, देखिए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए सर्व एज एमआरएनए, यानी कि सेंस स्ट्रैंड की बात कर रहा है। अच्छा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वाले में फिर कोरोना वायरस, ये कौन सा वायरस है, तो हम कभी नाम ही नहीं सुने हैं, अजीब वायरस है ये। देख लीजिए कोरोना वायरस, कोरोना वायरस बहुत पहले से जाना जाता है कोरोना वायरस को, बस ये जो स्ट्रेन है ना, वो स्ट्रेन थोड़ा सा बढ़िया वाली आ गई है। खैर उसको भी हम लोग ख़त्म कर ही रहे हैं धीरे धीरे। तो ये देखिए कोरोना वायरस, और इसमें भी सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है। लीजिए दो नंबर का क्वेश्चन अगर आ गया तो अच्छा, मेरा पढ़ाया हुआ, अगर आप लोगों को एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो एक बार ज़रूर नाम लीजिएगा मेरा, मुझे हिचकी आएगी, मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग मुझे याद कर रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल में। और आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे कि इसके पास भी इनवेलप होता है और ये क्या करता है, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ओ माय गॉड, सार्स कॉज करता है, तो पता ही हम लोगों को सार्स कॉज करता है, रेस्पिरेटरी डिजीज होती है, इसी के लिए वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ रही है। तो कोरोना वायरस को तो खूब अच्छे से और पढ़ भी लीजिएगा आप लोग। अब चलते हैं फ्लैवी वायरस, ठीक है, जैसे पूछा जा सकता है ना कि इनमें से कौन सा वायरस है जो कोरोना वायरस के जैसा जेनेटिक मटेरियल होता है, तो आप लिखिएगा पिकोरोना वायरस, फ्लैवी वायरस, टैगो वायरस। फ्लैवी वायरस की वजह से येलो फीवर, वेस्ट नाइल वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस। देखिए हेपेटाइटिस सी वायरस के जानते हैं क्या करता है, लीवर डिजीज तो करता ही है, ये इन्फ्लामेशन कॉज करता है, इन्फ्लामेशन कॉज करता है। चलिए, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा गया था, ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ना, कन्फ्यूज़ बहुत करते हैं, लगता है कि अरे क्या है ये, इतना तो ध्यान ही नहीं दिए थे सर, इतना छोटा छोटा पूछ दिया था ना कि वो समझ ही में नहीं आया, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। अच्छा टैगो वायरस, टैगो वायरस में देखिए रूबेला वायरस है और इंसेफेलाइटिस वायरस है, तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है कि सिंगल स्ट्रैंड आरएनए टेम्पलेट फॉर एमआरएनए सिंथेसिस, यानी कि ये एंटीसेंस वाले हैं, एंटीसेंस याद रखिएगा, एंटीसेंस जिसका एग्जांपल है फाइलो वायरस, इसका एग्जांपल, अरे ये कौन सा वायरस, इसका तो नाम ही नहीं सुने हैं, है ना ध्यान से सुन लीजिएगा, ये फीवर कॉज करता है और इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो टेम्पलेट जैसे काम करता है आरएनए सिंथेसिस के लिए, मतलब आरएनए ही है लेकिन आरएनए से आरएनए बन जाएगा तब ये इसका जेनेटिक मटेरियल बनेगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं, ऑर्थोमिक्सो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, ओके, पैरामिक्सो वायरस, मिजिल्स वायरस एंड मम्स वायरस, मम्स वायरस, रैपडो वायरस का रेबीज वायरस, ये सब एग्जाम्पल हैं इसके, आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ देखिए क्या लिखा है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए टेम्पलेट फॉर डीएनए सिंथेसिस। तो देखिए टेम्पलेट फॉर डीएनए सिंथेसिस लिखा हुआ है, हाँ यानी कि रिट्रो वायरस, देखा आपने रिट्रो वायरस। अब ये रिट्रो वायरस तो है बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है, तो चलिए एक काम करते हैं, अगले लेक्चर में हम रिट्रो वायरस के बारे में ही पहले बता देते हैं पूरा डिटेल में, तो भूलिएगा नहीं, भूलिएगा नहीं चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और क्या क्या करते हैं आप लोग, कमेंट करते हैं और क्या क्या करते हैं, तो वही सब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले लेक्चर में मैं अपलोड करने जा रहा हूँ कि कैसे रिट्रोवायरस का इन्फेक्शन होता है पूरा फुल डायग्राम के सहित, 5 मिनट का वीडियो होगा, 5 से 7 मिनट का ज़रूर देखिएगा। चलिए थैंक यू सो मच।